कर रहा है इंस्टा 360 एक्सट्री या फिर GoPro Hero 12, अब देखते हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना है। बाकी भाई GoPro Hero 10 है यार, इधर एक शॉप पे आए थे, इधर तो अपना GoPro है नहीं ना 360 की, बताओ इतना बड़ा क्रोमा इधर भी अपने को अवेलेबल नहीं है यार, GoPro ना ही इंस्टा 360। अब बाकी भाई बस यही स्ट्रगल के दिन हमेशा याद रहते हैं, आदमी चाहे कितने भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, चाहे जहां पहुंच जाए भाई, जो वो स्ट्रगल कर रहा है ना वो सिर्फ वो ही जानता है और दुनिया वाले कोई नहीं जानते, सारा दिन तो वही कर रहा है, दुनिया आ जाती है साथ देने कोई नहीं आता यार। गाइज वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू दी चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर ब्लॉग। भाई आज का ब्लॉग बहुत ही खतरनाक और बहुत ही तबाही होने वाला है यार, तुम्हारा भाई प्लान कर रहा है इंस्टा 360 एक्सट्री या फिर GoPro Hero 12, अब देखते हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना है। बाकी तुम्हारा भाई कानपुर के लिए निकल चुका है और अभी घर से 8 किलोमीटर आगे भी आ चुका है भाई, अभी कानपुर स्टिल 30 किलोमीटर है यार। पहले भाई मॉर्निंग में निकल रहा था बट मॉर्निंग में कोई काम के कारण भाई नहीं निकल पाए, तो अब इवनिंग में निकल रहे और भाई 4:30 बजे, बट स्टिल इतनी तेज धूप है यार, इतनी तेज कुछ कहने को नहीं यार, पूरे फुल लोडेड है तुम्हारा भाई, बस जस्ट अभी ग्लव्स उतारे कॉज यार फोन में बटन नहीं दबती यार, इसलिए बाकी GoPro हो जाएगा या इंस्टा 360 तो फिर कोई दिक्कत वाली कोई मसला वाली बात ही नहीं रहेगी यार, इसमें काफ़ी दिक्कत होती है ब्लॉगिंग करने में, दैट्स व्हाई आई एम प्लानिंग फॉर GoPro। देखो चेक मारो, चलो मिलते हैं रास्ते में, तो दिक्कत इंटरेस्टिंग सा तो दिखाते हैं, बच्चे को इधर चला रहा खुद इधर चल रहा साला। भाई 100 तो ब्रेकर आते इस रोड पे, 100 ब्रेकर है यार, अभी 3 ब्रेकर क्रॉस करके एक्टिव ब्रेकर, ये देखो आगे भाई ब्रेकर ही ब्रेकर है यार, ओ भाई। तो भाई देखते हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना है, बाकी भाई हम तो बहुत एक्साइटेड यार, बहुत भयंकर ब्लॉग बनेंगे यार, एकदम खतरनाक। अगर इंस्टा 360 ले लिया ना एक्सट्री, तो इतने खतरनाक रिएक्शन आएंगे ना भाई, इतने खतरनाक, उसको इधर माउंट करेंगे इधर, और भाई वो खतरनाक वो सेक्सी रिएक्शन आएंगे ना, देखो फोन क्या है सामने कैप्चर कर लेता, जो लेफ्ट और राइट वाले रिएक्शन होते ना भाई वो कैप्चर ही नहीं हो पाते, तो डेट्स व्हाई आई एम प्लानिंग फॉर इंस्टा एक्सट्री, बहुत खतरनाक सेक्सी चीज़ अगर वो मिल जाती तो भाई सोने पर सुहागा, नहीं तो फिर GoPro तो फिर डन है यार, फिर लेना है, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, अपने आदेश भाई के पास चल रहे वो देखो बताता है क्या है क्या नहीं, सीन है तो भाई बस वही है, चल रहा कट रहा फिर ब्रेकर, बात खत्म नहीं हो पाई ब्रेकर, अभी देखना आगे चेक मारना ये ब्रेकर चेक, ओ भाई स्किट पड़ गई यार, मेरा पिछला टायर ना भाई ये ब्रेकरों के चक्कर में खत्म हो गया भाई, ब्रेक जैसे लेते स्किट पड़ जाती हो भाई, वो टायर गिर रहा है। चलो फिर तुम लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो, ओके गाइस हाइपर राइड बाइक को मारेंगे। बाकी भाई बस यही स्ट्रगल के दिन हमेशा याद रहते हैं, आदमी चाहे कितने भी ऊंचाई पर पहुंच जाए चाहे जहां पहुंच जाए भाई, जो वो स्ट्रगल कर रहा है ना वो सिर्फ वो ही जानता है और दुनिया वाले कोई नहीं जानते, सारा दिन तो वही कर रहा है, दुनिया आ जाती है साथ देने कोई नहीं आता यार, तो बस हम तो यही समझ रहे हैं अपने स्ट्रगल के डेज हैं, काट लो जैसे भी काटना है, बाकी गोल्डन डेज भी आएंगे, बस इन्हीं सहारों से जी रहे हैं भाई, ये बस भगवान की दया से बस बन जाए व्यवस्था GoPro या एक्सट्री इंस्टा, तो ये चीज़ आ जाए बस, फिर रॉकेट की तरह अगर ब्लॉग्स ना है ना रॉकेट की तरह, तो बताना डेली ब्लॉग आएंगे डेली, बस वही है भाई कर रहे मेहनत, बाकी तुम लोग सपोर्ट रहा तो बिल्कुल बहुत आगे जाएंगे।
भाई कुछ कार वाले जरा गंदा चलाते थे ना, गंदा कुछ कहने की वजह से साला ये चला रहा गंदा वाला। भाई मोटो व्लॉगिंग आसान नहीं है भाई, बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा। एक बार कानपुर का 500 का पेट्रोल रख लो ऊपर ही अलग, बहुत खर्चा होता भाई। तुम लोग तो देख ही रहे हो कितना खर्चा हो रखा, ऊपर से सब एसेसरीज दुनिया भर की चीज़ें, बहुत खर्चा होता है भाई। और अभी अगर मान लो गोप्रो ले लिया या एक्सट्रीम इंस्टा ले लिया तो उसमें फिर एसेसरीज लो वो भाई और महंगी है, बहुत महंगी आती भाई। एक तो उसमें मेमोरी कार्ड पड़ेगा गोप्रो में 128 GB का, वो अलग आएगा साला 1500 के आसपास का। फिर उसमें एक आता है माइक एडेप्टर भाई, वो बहुत महंगा आता है, वो 5000 का आता है समथिंग, वो बहुत महंगा है यार माइक एडेप्टर। देखो क्या कर रहा है भाई, वो लो ठीक है। फिर उसके ऊपर से उसकी टेम्पर्ड वेम्पर्ड लो, ग्लास स्क्रीन गार्ड लो भाई, बहुत खर्चा होता है यार। और जहाँ चैनल मोनेटाइज और चैनल बूम तो ये सब कुछ नहीं लगेगा भाई, कुछ नहीं लगेगा, 1% नहीं लगेगा। अभी तो लग रहा भाई बहुत है, बहुत है, कैसे मैनेज करें, कैसे क्या करें, ये वो भी दिन आएगा भाई। हमने तो ये पता भाई टैलेंट को कोई ट्रीट नहीं कर सकता, बाकी पता नहीं क्या है भाई, ब्रेकर से परेशान है यार। बाकी भाई नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, समझे भाई। जो कोई भी है ना कि मैं तो फर्स्ट प्लेस पे हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, भाई रिप्लेस हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए, ठीक है, ये वहम ना पालो, समझे। कुछ नहीं है परमानेंट इधर, सब रिप्लेस, एवरीथिंग इज फकिंग रिप्लेसमेंट टेम्परेरी, समझे भाई। और भाई रही बात ट्रिप्स ट्रिप्स की, वो भी सब सोच रखा भाई, इतनी गर्मी हो रही है ना भाई, हिम्मत नहीं होती कहीं जाने की गर्मी से। सुबह निकल जाओ 10 के पहले वापस आ जाओ, और शाम को निकलो तो 5 बजे के आसपास 4:30 बजे निकलो, मतलब ट्रिप भी कहीं पर भी तुम जाओगे ट्रिप ना भाई, तो कसम से मान लो मथुरा ले लो, चित्रकूट ले लो, MP ले लो, तो भाई बैंड बच जाएगी यार, बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत गर्मी हो रखी बिल्कुल। एक तो भाई अपना इतना भयंकर सेटअप रहता ना, हेलमेट ले लो ठीक है, फिर उसके अंदर गॉगल्स ले लो, फिर उसके अंदर मास्क ले लो भाई, कहीं पर भी रुको ना बैठ चुको भाई भी। फिर यार पानी वानी पीने में बहुत दिक्कत आती, बहुत दिक्कत आती भाई, चारों तो आदमी ऐसे देखता है साड़ा जैसे आज ही नहीं पता नहीं क्या देख लिया यार, समझे भाई। तो इसलिए थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं इतनी गर्मी के चक्कर में ना, बाकी तुम्हारा पता है राइडिंग वाइडिंग से तुम्हारा भाई कितना उस्ताद है यार, कोई ना जाएंगे मानसून आने दो, मिलते हैं गाइस सीधा कानपुर में, ठीक है भाई। सो फाइनली गाइस वी आर इन कानपुर, अभी भाई बचा था यार एक स्पेल लेता के मादर छोड़, पता नहीं कैसे लोग गाड़ी चलाते हैं यार इधर, कैमरा मेरा ऑफ था यार भाई, जैसे ये चल रहा ठीक है, अचानक से ब्रेक ले लो बीच रोड पे तो क्या होगा, हाँ आ जाए चलो ठीक है, आगे कोई हो ना, आगे कोई ना पीछे कोई, ब्रेक लेंगे सडनली बीच में, टनार थोड़ी तो रुक जाएगी जब पक्के भाई, स्किट पड़ते इतनी भयंकर स्किट पड़ी यार, कुछ कहने को नहीं यार भाई, मूड पूरा स्पॉइल कर देते हैं साढ़े ये लोग, चलाने की गल नहीं है, लेके घूमेंगे गाड़ी ऐसा। देख लो जी सड़क पे क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, बाबा साइड हो जाओ, निकलने दो और भी लोग हैं भाई साहब, लो 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 चेक मारो, स्कूटी खराब हो गई इसकी, बैटरी सेंसर चल रहा, 400 में 76.6 76.6 किलोमीटर ओनली इन 4
लीटर पेट्रोल क्या है फ्रिज ये यार, बताओ टेनार चला रहे भाई टेनार, क्या मजा है यार भाई। सोच रहे यहाँ से टर्न ले ले आगे चक्कर ना पड़े भाई, बहुत भयंकर जाम लगता है, बहुत भयंकर बहुत भयंकर। यहीं से निकल लें बगिया क्रॉसिंग, सोच रहे निकल लें या फिर अंदर 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 नहीं बगिया क्रॉसिंग चल देंगे चल के। गुरुदेव चल रहा अपने आपको गुरुदेव, फिलहाल तो अभी कल्याणपुर में पनकी क्रॉसिंग साइड है। रोड देखो मेरा पता है भाई बहुत भयंकर स्किड पड़ी थी, ये समझ लो अगर हम ना होते कोई और इसको चला रहा होता भाई वो गिरा देता, गाड़ी गिरा देता। निकाल ले रहे यार यही से बगिया क्रॉसिंग से निकाल लें, कौन अब अंदर जाए वहां से, केशवपुरम से होते हुए स्कॉट से होते हुए देन फिर वो गुरुदेव यहाँ से डायरेक्ट सिटी रोड पकड़ लेंगे। ओ भाई रोड बम्प, ओ भाई नंदी महाराज, ओ भाई इधर भी जाम है क्या यार, हर जगह जाम ही जाम क्यों लग रहा भाई। ओ भाई अबे यार जाम लगा भाई, चेक मारो यार ये साले आधा एक तो जाम लगाते हैं, देखो साइड से निकाल रहे हैं। वही तो दिक्कत आ रही, यहाँ नहीं जा सकते उधर से घूम के आओ यार। एक तो साला एक किलोमीटर आगे तो पता है यार, आने में उधर भी जाम देखो यार कितना भयंकर जाम लग रखा उधर भी यार, यार पटना मारेगा तो इनको भाई यहाँ से भी नहीं कर यार, ऐसा पता होता तो वहीं से आ जाते जिंदाबाद देख रहे हो काफिला तो निकाल लें जिंदाबाद से नौ हार जाएंगे काफिला निकालेंगे भाई। भाई एक तो सबसे ज्यादा गुस्सा आती है यहाँ पे कपल्स को देख के यार भाई, इतना कपल यार बहुत कपल है भाई, स्कूटी में घुमा रहा ऑटो में घुमा रहा वेट करा रहा मतलब बात तो रहा कपल ना दिखे इम्पॉसिबल गाइस, वैसे तो हर जगह कपल है यार, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है भाड़िया भाजी तो सब करते हैं। इन चूतियों को लाइसेंस कौन दे देता, कानपुर यूनिवर्सिटी चेक मारो आओ चढ़ा दो वहाँ से। तो भाई जाम लगा क्या इतना हाइपर राइट है मारे तो क्या मारे बताओ भाई वही जी यार क्या कर रहा है भाई। बहुत बीक लगाना पड़ेगा यार, मैं बहुत गाड़ी
कोई भी क्या करना, वायरल से आगे थोड़ी है। पहले ही कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, गाड़ी मैटर नहीं करती, स्किल्स मैटर करते ब्रो, स्किल्स। फाइनली आदेश भाई की शॉप आ गई, अब इससे पूछते हैं क्या सीन है क्या सीन नहीं है। चेक मारो भाई, गोप्रो हीरो टेनिस है यार, चेक मारो। नहीं पहचान पाते हैं। हाँ बताओ। हाँ दिखा, भेज देंगे तुम्हें। हाँ यार और क्या भाई, इधर एक शॉप पे आए थे, इधर तो अपना गोप्रो है नहीं ना, 360 X3 है, कोई ना बता रहे आगे है, तो हम आगे चलते हैं। गाइस हेलमेट लिए नहीं, तुम व्लॉगिंग कैसे करे, वही शॉप पे दिखाते पहुंच के, तब तक चेक मारो टैटू यार। ये बताओ इतना बड़ा क्रोमा इधर भी अपने को अवेलेबल नहीं है यार, गोप्रो ना ही Insta360। अब भाई बताओ करे तो करे क्या, कहाँ जाए कहाँ से ले यार, शिट भाई बताओ, इतना बड़ा बना रखा साड़ा, कोई अवेलेबल नहीं यार, शिट भाई बीटी हो गई यार।